हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों, वैसे तो अच्छी सिंपल सी स्लो ग्रोइंग बिना एडल्ट कॉमेडी के सीधी साधी मूवी जो दिल को छू जाए, जिसे देखने में एक इनर पीस वाली फीलिंग आए, ऐसे बहुत कम ही मूवीज बन रही हैं आजकल। दोस्तों, अब हॉटस्टार पे ऐसी एक सीधी साधी सी सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है परिवार। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अच्छी बात इस सीरीज की ये है कि ये है सिर्फ है 6 एपिसोड्स की, यानी कि टोटल स्क्रीन टाइम लगभग 2 hours 30 minutes की है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं, वो भी हिंदी में दोस्तों। और इस सीरीज के एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि जिंदगी में परिवार की इम्पोर्टेंस नहीं होती, बल्कि परिवार ही जिंदगी होती है। तो दोस्तों, सीरीज की शुरुआत होती है काशीराम नारायण से, जिनके 3 बच्चे होते हैं, माहीपाल, शिशुपाल और गुड्डन। दोस्तों, अब उनके 3 बच्चे तो बाहर रह रहे होते हैं, लेकिन काशीराम जी तो उनके बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके बच्चों को घर बुलाने की कोशिश करते रहते हैं। और एक दिन वो ऐसे ही अपनी गैस की प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर उनकी लास्ट स्टेज बताकर दोस्तों उनके 3 बच्चों को घर आने के लिए मना ही लेते हैं। उनके 3 बच्चे घर तो आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन उन सबकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं होती। और तभी उन सबको पता चलता है दोस्तों कि उनके पापा यानी कि काशीराम के नाम पर जो जमीन होती है वो लगभग 40 crore की होती है, लेकिन काशीराम उस जमीन को उनके बच्चों के नाम करने के बजाय गंगाराम नाम के एक आदमी को दान में देना चाहते थे, जो कि उस जमीन पर आश्रम बनाने वाले थे। और उस वजह से दोस्तों उनके बच्चों का काशीराम यानी कि उनके पिता के साथ अनबन बनी रहती थी। अब उनके बच्चों को थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है दोस्तों कि गंगाराम भी जमीन पर कोई आश्रम नहीं बनाने वाला है, बल्कि वो भी उसे बेचना चाहता था। अब फ्रेंड्स, आगे इस सीरीज में जमीन का आखिर क्या होता है, क्या काशीराम जमीन गंगाराम के नाम करवाते हैं या उनके बच्चों के नाम, और उनकी आपसी झगड़ों का क्या होता है, उस पे बेस्ड है ये सिंपल सी कहानी। तो दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ देखने के लिए ये कमाल की सीरीज बहुत अच्छी है। कोई वॉयलेंस या एडल्ट सीन्स नहीं है इसमें, और उसके अलावा थोड़ी बहुत कॉमेडी वाले सीन्स भी हैं इसमें। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो आप इसे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ इसे देखना ना भूलें। हम इसे 7.5 out of 10 रेटिंग देते हैं दोस्तों, और इसे आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखें, हम एक बार फिर कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुलझी हुई फैमिली स्टोरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे के और बेहतरीन वीडियोस के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब ज़रूर करें।